जी, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं स्टेट बैंक ऑफ श्रीलंका। ये स्टेट बैंक है श्रीलंका का, आप देख सकते हैं बिल्कुल पाकिस्तान से मिलता जुलता। और ये सामने आपको जो टावर नज़र आ रहा है, ये क्लॉक टावर है। क्लॉक टावर के बिल्कुल दूसरी सिमत पे प्रेसिडेंट हाउस है। ये सामने बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। हम कोशिश करेंगे कि हमें एंट्री मिल जाए। Before the open, now the close have the president house this area. Now the before the open, yeah, this is where the VIP security. Now not close. Before the open, yeah, this area. VIP movement की वजह से आप सुन सकते हैं कि आपने सुन भी लिया होगा कि VIP movement की वजह से हमें एंट्री नहीं मिल सकी। कि इधर भी टूरिस्ट आते हैं, प्रेसिडेंट हाउस को विजिट करते हैं, देखते हैं। और अब हमने रुक किया है रेड मॉस्क। रेड मॉस्क जो कि एक बीचों बीच बाजार में है, जो मेन मार्केट है कोलंबो की, शॉपिंग मार्केट, ये उसी बाजार में रेड मॉस्क भी है। नहायत खूबसूरत मस्जिद बनाई गई है, तारीखी मस्जिद है कोलंबो की। सुर्ख कलर की ये बिल्डिंग आई थी, खूबसूरत बिल्डिंग आप देख सकते हैं। ये भी तारीखी बिल्डिंग है इधर कोलंबो की, इसको कारगिल बिल्डिंग कहा जाता है। कारगिल बिल्डिंग में ही बैंक ऑफ चाइना का भी दफ्तर है। और इसके बिल्कुल सामने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, यानी कि चाइना और बरतानिया आमने सामने हैं। यहाँ पर दो और तारीखी इमारात सामने आपको नज़र आ रही होंगी, एक बीच कलर में और एक वाइट कलर में। यानी कोलंबो तारीखी इमारतों से भरा पड़ा है, बिल्कुल ऐसे जैसे हमारा लाहौर। लाहौर भी किसी से कम नहीं है। लाहौर के क्या कहने, जैसे कि लाहौर में वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी ने पुराने लाहौर को संभाल के रखा हुआ है और उसको दिन ब दिन मज़ीद बेहतर किए जा रहे हैं, ये काबिल सताइश बात है। और तारीख ही सयाहों को खींच के लाती है अपनी तरफ। पाकिस्तान और इंडिया इन क्रिकेट मैच, पाकिस्तान जिंदाबाद। एशिया कप भी हो रहा है, तो इसी हवाले से टूर गाइडर से पूछा कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों का मैच हो तो आप किसको सपोर्ट करेंगे। तो बतौर श्रीलंकन उसने बताया कि हम हमेशा पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। तो ये सुन के मुझे काफ़ी खुशी हुई कि बॉर्डर पार भी हमारी सपोर्ट अभी तक मौजूद है क्रिकेट के मैदानों में। जी, इस वक्त हम मेन मार्केट पहुंच चुके हैं। ये कोलंबो की मेन मार्केट है। आपने किसी किस्म की शॉपिंग करनी हो तो आप इस मार्केट में आ सकते हैं। और यहाँ पे है वो मस्जिद, वो मॉन्यूमेंट, जिसको देखने के लिए हज़ारों लोग इधर आते हैं, ख़ास तौर पे मुस्लिम कम्युनिटी। उनके लिए फिर ये बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव प्लेस है। और वो आपको समझ नज़र आगे होगी, जामियतुल अज़फ़र, जिसको लाल मस्जिद भी कहा जाता है, सुर्ख मस्जिद भी कहा जाता है। हमारी मुकम्मल कोशिश थी कि जामियतुल अज़फ़र को इन साड़ियन के अंदर से देखा जाए, सारा विज़िट किया जाए, लेकिन नमाज के वक्त, सिर्फ नमाज के औकात में ये सिर्फ मस्जिद ओपन रहती है और अदरवाइज़ ये क्लोज़ होती है। टूरिस्ट आते हैं, बाइट से विज़िट करते हैं, तो अगर नमाज हो रही हो, नमाज का वक्त हो, तो फिर अंदर से मौका मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको ये शौक़ बाहर से पूरा करना पड़ेगा।
तो हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ क्योंकि हम थोड़ा सा जल्दी आएंगे, अभी 10-11 बजे का टाइम है, तो इसके बाद ज़ोहर का वक्त है, तो उसमें 2 घंटे अभी तक बाकी हैं, तो उसमें दोबारा चक्कर लगा तो हम ये कवर करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये हम इसको बाइट साइड से मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये इस बाज़ार का और कोलंबो में मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है। बहुत ही शानदार ये बिल्डिंग बनाई गई है, शायद कैमरे की आँख इतना बेहतरीन वो ना दिखा सके, कोशिश की गई है, लेकिन इसको अगर आप आके लाइव देखेंगे तो आप कहेंगे अपनी ज़ुबान से कि सुभान अल्लाह। People, how the Muslim people came to Sri Lanka, this place to see the 1908. हबीबी को डिज़ाइन किया गया ये शानदार शाहकार, जो कि यहाँ की हिंदुस्तान से मूव हुई मुस्लिम कम्युनिटी ने फंड्स इकट्ठे करके इसको तामीर किया, जिसमें इस वक्त 1500 से 2000 जो नमाजी हैं बैक वक्त नमाज़ पढ़ सकते हैं, और इसकी एक्सपेंशन पे भी काम जारी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नमाजी जो हैं वो यहाँ पे नमाज अदा कर सकें। सुर्ख और सफ़ेद पत्थरों का खूबसूरत और इस्तेमाल किया गया है, जो कि मार्वलस आर्किटेक्चर है। जामियतुल अज़फ़र भी कहा जाता है, और जामियतुल अल्फ़र भी इंग्लिश में अगर आप देखें इंटरनेट पर सर्च करें तो जामियतुल अल्फ़र वहाँ पे लिखा होता है, तो एक्चुअल नाम इसका जामियतुल अज़फ़र है। 1908 1908 में इसे तामीर किया गया। आर्किटेक्चर डिज़ाइन को देखा जाए तो बेहतरीन इस्लामिक डिज़ाइन और इंडियन डिज़ाइन को मिक्स करके एक हाइब्रिड डिज़ाइन बनाया गया है और उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जो अपने अंदर शाहकार है। जी, जामतुल अज़फ़र से देख के हम नेक्स्ट स्पॉट की तरफ जा रहे हैं, मार्केट्स और बाज़ार वगैरह बिल्कुल में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। अभी तो सुबह का वक्त है, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा 2-4 घंटों बाद यहाँ पे रश ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्रांड सारे इस जगह पे मौजूद हैं, जो मल्टीनेशनल ब्रांड है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो अभी श्रीलंका ग्रो कर रहा है, अभी एक ग्रोइंग स्टेज में है, और पिछले दिनों इनके काफ़ी मामला इधर ख़राब रहे हैं। ये आ गए हैं जी कोकोनट, ट्राई करते हैं हम। Very tasty this place. King coconut, good one. Health very good. Do you like okay fruit juice? Papaya, watermelon, mango. Only one coconut. Yes. Aye. Ekka kaban me lapati ka kaban rasega lapati ka. कोलंबो आया कोकोनट वाटर ना पिए, ये तो हो नहीं सकता। हमने कोकोनट मैंने अपने लिए ख़रीदा है, और भाई साहब के पैसे पूछे कितने, तो उसने बताया कि 150। इसको 150 रुपया अदा करते हैं और अपने ही रा लेते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया साथ जुड़े रहने का। Thank you.